सब है कारण के अधिकारी। उसका कहने का बात यह है कि अगर राम राज्य आ जाता है तो औरतों की वही हालत होगी जो 1947 से पहले थी। ये इस राजपूत लेडी की एक एप्रीहेंशन है, वो मे बी ट्रू भी हो सकती है। देखो पूरे हिंदुस्तान में किसी ने इस चीज को ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन उस लेडी ने, राजपूत लेडी ने, पत्रकार है, उसने ये ऑब्जर्व किया कि ये नारा दिया जा रहा है, ये टूवर्ड्स हमें जैसे पहले थे, जैसे हमें कोई पढ़ने का अधिकार नहीं था, अच्छा उठने बैठने का अधिकार नहीं था, हो सकता है उसकी एप्रीहेंशन उस लेडी की, लेकिन मैं उसके साथ सहमत हूं, क्योंकि वो अगर लेडी बोल रही है कि डोर गवार शूद्र पशु नारी सब है तारण की, ये रामचरितमानस का एक दोहा है, तो ये उसके साथ बिल्कुल टैली खाता है जिसका लोग नारा दे रहे हैं हर राम राज्य का। बाकी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सभी बुद्धिजीवियों ने बहुत अच्छे विचार रखे, बहुत अच्छा मंथन हुआ, खास करके बच्चों ने भी सुना और जो बुद्धिजीवी लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं। तो मैं आगे से भी यही अपील करूंगा, जितने भी हमारे एससी ओबीसी या एसटी के बुद्धिजीवी लोग हैं, कि जब भी हमारी लाइब्रेरी की तरफ से या ओबीसी फेडरेशन की तरफ से या जितनी भी संस्थाएं ओबीसी के लिए काम कर रही हैं कोई नारा देती हैं तो जरूर इसमें भाग लें, क्योंकि इससे मंथन से ही बहुत सारी बातें बाहर निकलती होता है। तो हम ये कंसिडरेशन को ध्यान में रखते हुए हमने इनको कैश कार्ड भी इंक्लूड किया है। आई होप यू विल अप्रिशिएट, थैंक यू वेरी मच। जिम्नास्टिक में अपने इनके बाद इनको ऑनर करेंगे राजकुमार चलोत्रा और रामपाल चलोत्रा लुधियाना वाले। गुड से विद ए मोमेंटो एंड 500 कैश अवार्ड इनको भी है। इस इवेंट को कवर करने के लिए बोल रहे क्योंकि बोलने के लिए पूरा संविधान पड़ा है, पूरा दिन भी लग सकता है, तो आज जस्ट एक मैं ये कहूँगा कि एक मैसेज ही होगा सभी को देने के लिए कि कम से कम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन रिपब्लिक रिपब्लिक जो बना है आज के दिन, तो उसको हम सेलिब्रेट करें और भगवान से दुआ करें कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बचा रहे, पूरा इम्प्लीमेंट हो। तो मैं सबसे पहले जो बच्चे को आनंद किया ना उनको भी समय देना चाहूंगा पहले। तो स्नेहा दीवान आप आइए प्लीज, यू आर गिवन 5 मिनट्स टू स्पीक। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम स्नेहा दीवान है, मैं जिमनास्टिक्स की प्लेयर हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी नवंबर में अक्टूबर में नेशनल गेम्स हुई थी गोवा में, जिसमें मैंने रिव्यू जिमनास्टिक्स में पार्टिसिपेट किया था और जम्मू के लिए सिल्वर मेडल लेके आई थी। अतिथिगण बैठे हुए हैं, उनको संविधान के जो 75वीं हमारा जो छब्बीस जनवरी संविधान दिवस जो हमारा मनाया जा रहा है उसकी हार्दिक बधाई देता हूँ। और मेरा जो अपने जो छोटे जो यंग जनरेशन है उनका जो है कि जे संविधान जो लागू हुआ था, मतलब 1950 को आज से 75 साल पहले, जे संविधान तो हमें मिल गया बाबा साहब की देन से, लेकिन अब जो इस संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि ये आने वाले समय में ये संविधान जो है ये हमसे छीना जाएगा, वो सारी जो शक्तियाँ जो है वो इस संविधान को मतलब कि वो इसके छीनने की कोशिश लगेंगे, क्योंकि इसी संविधान की वजह से हमें जो भी जितने भी आज हमें जो अधिकार मिले हैं, हमारे राइट्स मिले हैं, आज मैं जहाँ अगर बैठा हूँ, जहाँ खड़ा हूँ, जहाँ बोल रहा हूँ, तो सिर्फ संविधान की वजह से। संविधान के पहले हमें इस बोलने की पढ़ने की कोई आज़ादी नहीं थी, कोई हमें अधिकार ही नहीं थे, ये सारे अधिकार जो है हमारे हमें हमारे संविधान ने दिए हुए हैं, जो हमारे संविधान की वजह से ही हम आज जो भी हमारे जो एससी ओबीसी और एसटी के लोग जो हैं, जो सभी दबे कुचले लोग हैं, इनको मतलब कि सर्व बराबरी में लाया गया। पहले जो सभी अधिकार जो है वो एक विशेष जाति के लिए होते थे, जो अपर कास्ट जो होते स्वर्ण जाति के उनके लिए अधिकार थे, हमारे लिए इनके कोई अधिकार नहीं थे। ये अधिकार बाबा साहब की देन है, हमें ये अधिकार इसके संविधान को बचाना है, बाबा साहब की इस देन को बचाना है, क्योंकि हमसे हमारे लिए ये सबसे पवित्र जो है ये किताब है, ये ग्रंथ है, इससे ऊपर हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है। हम चाहे जितने भी अपने ग्रंथों को मानते रहें, हमारे हमने भगवान को मानते रहें, लेकिन हमारे बुजुर्ग भी भगवानों को मानते आए हुए हैं, लेकिन उनका भी आज तक कुछ नहीं बना, उन्होंने व्रत भी किए, उन्होंने कठिन भी किए, सब कुछ किए, लेकिन जब तक ये संविधान नहीं था तो तब तक कुछ नहीं था। इसी संविधान की वजह से हमें पढ़ने की
हमें बोलने की, हमें सरकारी नौकरी मिलने की या और भी अधिकार मिलने के जो हमें मिले हैं, वो उनकी वजह से आज हम आर्थिक रूप से संपन्न हो सके हैं और ये बोलने के लायक हो सके हैं। नेक्स्ट स्पीकर, मैं दो मिनट का समय दूंगा, मास्टर हेड मास्टर रिटायर्ड प्रवीण सरोज है हमारे बीच में। तो मैं ये सभा के जो कार्य है, जैसे ये बच्चों को इनकर्ज कर रहे हैं, जो अनहार बच्चे हैं हमारे, जैसे ये हमारे बच्चे जो अभी अंडर किया है इनको, तो मैं सभा का, सभा के सभी सीनियर मेंबर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दोबारा मैं एक बार सभी आए हुए अतिथियों का धन्यवाद करता हूँ और पब्लिक डे की शुभकामनाएं देता हूँ। सर, आप आज के मौके पर दो मिनट आगे से अपने समाज बात है काफ़ी स्ट्रगल करा दिन, मैं बहुत थैंक्स करना कि इस स्ट्रगल जारी रहेगी और इतने जे एंड के स्टेट जोड़ा 20% लागू नहीं होता, असें और ज़्यादा स्ट्रगल जारी रखनी चाहिए और इस चीज़ भी फर्स्ट यूथ को ज़्यादा ज़्यादा बढ़ाना चाहिए कट्ठे हो जाए। ऐसा नहीं हो कि जोड़ा मैंने थोड़ा मिला था यही मिला हुआ, इस बार सारी कोशिश जरूर करनी चाहिए कि अचीव करिए जो सारी स्ट्रगल चले थी। बाकी जो सारे दसिया कि पहले 47 को पहले अभी मौका नहीं मिलता पढ़ने लोगों को, हूँ है कि इन्ना है कि रिजर्वेशन नहीं बनी दी है जे एंड के स्टेट खास कर, लेकिन अभी मौका मिला था इस बी ए में भी बेस्ट है सारे जो तो अपनी स्ट्रगल 27% जारी। इस तरह से जम्मू कश्मीर में कहनी मनाई जा रही होगी, क्योंकि हम असली मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि 26 जनवरी होता क्या है और इस दिन क्या हुआ था और संविधान लागू हुआ था तो संविधान को क्या खतरा है, क्या परेशानियां हैं, उस पे बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बहुत ही गंभीर डिस्कशन हो रही है। तो हमारे बीच में सैन समाज के बैंक मैनेजर रिटायर्ड केवल कृष्ण पोत्रा जी हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी दो मिनट का समय लेके वो भी अपना मैसेज दें। है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक बहुत विजनरी आदमी थे, तो उन्होंने जो इतने प्रोविजन जो, क्योंकि वर्ल्ड का बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो मेरे ख्याल में अगर उसको हॉनेस्टली और विद स्पिरिट उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो आज जो भारत है, जो हम राम राज की बात करते हैं या जो भी करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन अगर पूरी तरह से फुली उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो मेरे ख्याल और किसी दूसरे को लाने की या रामराज का जो पिछला 50 साल या 70-80 साल पहले की जो रामराज की दशा है वो शायद लोगों ने पढ़ी या ना पढ़ी, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाए तो वाकई एक सुनहरी अक्षरों वाला भारत या जिसको हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं वो जरूर बन सकता है, लेकिन उसके साथ जो छेड़छाड़ हो रही है बजाय हम उसको विश्व गुरु बनाने के बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि आज की जो डेट में जो हम देख रहे हैं जो माहौल देश में बन रहा है उसमें आपस में रिलीजन पे, कास्ट पे और रीजन के बेसिस पर आपस में क्लैश हो रहे हैं, जगह जगह पढ़ते रहते हैं, तो ये एक बड़ा चिंता का बात विषय है। और आज गणतंत्र दिवस है, खुशी का दिन है और हम अपनी ज्यादा शक्ति जो था हमने घोषणा भी की और इस दिन की मुबारकबाद आप सबको है और इस दिन को हम खुशी से मना रहे हैं। अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो अभी तक वो इंप्लीमेंटेड है, लेकिन यहां तक ये जो समाज जो हम जितने लोग यहां बैठे हुए हैं सारे ऑलमोस्ट ओबीसी के लोग हैं, हम अपनी हक के लिए ये लड़ाई जो है ये 1947 और पहली इलेक्शन जो इंडिया की हुई थी पार्लियामेंट की भी 1951 में इलेक्शन हुई थी, 1951 में 1950 में देश 1947 में देश आजाद हुआ और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ वो आज के दिन 1950 26 जनवरी को ये लागू हो गया था और तब से ये देश चलता है। और हम इस
रिजर्वेशन के लिए, क्योंकि हमें इक्वलिटी चाहिए थी, उस इक्वलिटी को ढूंढते रहे और आज भी ढूंढ रहे हैं, खासकर जेएनके ड्यूटी कह लो, जेएनके स्टेट कह लो, आज भी हम इसको मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं इसकी, लेकिन कोई हमें हमारे झोली में वो भीख रिजर्वेशन की भीख नहीं दे रहा है, क्या करेंगे हम। अभी बात आती है इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी अब उसमें भी चेंजेस होनी है, चेंजेस क्या ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगा और नया कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा। ये जो भगवान झंडे जो लोगों ने घरों के ऊपर लगाए हुए हैं, इनका मतलब है कोई, ये कोई ऐसे नहीं लगे हुए हैं, ये दो दो झंडे हो गया, आज एक तिरंगा लगा है, दूसरी तरफ वो भगवा झंडा झंडा लगा हुआ है, वो हम भगवे झंडे रहने हैं, ये निकल जाएगा। हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन करनी होगी, उसको बचाना होगा, तभी हम जिंदा रह सकते हैं, नहीं तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन गया तो हम भी गए। संदेश है कि अगर जो साथी कह रहे हैं कि हमें जम्मू कश्मीर में हमारे राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो मेरी कटारिया साहब, रोहतरा साहब, पोजा साहब, सिद्धेश अपने हमारे और बहुत सारे साथियों ने 2021 में एक कार्यक्रम बनाया, ओबीसी अधिकार का नाम था, वो गांव गांव में गई, हर गांव में, जम्मू से कठुआ, जम्मू से अखोर, अखनूर, हर गांव गांव में, तो साथियों उसका प्रभाव यह हुआ कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 243 136 जिसके बारे में आज तक किसी ने हमें इस बात को दिखाया नहीं कभी, ना हमने कभी पकड़ा। तो साथियों मध्य प्रदेश में 1993 से लागू है, महाराष्ट्र में 1994 से लागू है, उससे क्या हुआ, आज आप लखनपुर से चल के आप पुंछ चले जाइए, पुंछ से वापस आप कश्मीर से होते लखनपुर आइए, आपको ओबीसी का डोडा सरपंच नहीं मिलेगा, पंच नहीं मिलेगा आपको, डीडीसी के मेंबर नहीं मिलेगा। तो मेरा मतलब कहने का कि सरकार को मजबूर किया गया इस बात के लिए, मेरे साथी कटारिया साहब बैठे, ये सभी ने बिल्कुल भरपूर साथ दिया, घोर में मैं सरगोधरा डॉक्टर सरगोधरा साहब का बहुत धन्यवादी रहता हूँ, उन्होंने वहाँ पे 800 आदमी का कार्यक्रम किया और हमारा ऐसा कार्यक्रम कभी कहीं नहीं हुआ। तो मैं साथियों 26 फरवरी को फिर साथियों ने ये डेट निश्चित किया कि हम ओबीसी अधिकार यात्रा जो है आठवीं और ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा होगी, ये जम्मू से उधमपुर, उधमपुर से रियासी, रियासी से सुंदरबनी, इसके बाद 6 अप्रैल को फिर बिलावल सोली को जाएगी, और इस सरकार को हमने मजबूर करना है कि अगर पंचायतों में आपने अमेंडमेंट की है एक्ट में 1989 में, तो जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक्ट है 2000 उसके अंदर भी अमेंडमेंट करिए, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन लगने वाला है, ऑन अकाउंट बजट जो होगा वो सिर्फ 7 दिन का हो सकता है, 10 दिन का हो सकता है, अगर उस पार्लियामेंट के अंदर ये हमारी बातें पास होगी जब रिजर्वेशन जो भी होगा, अगर साथियों मेरे साथी कह रहे हैं कि हमें इसको मैंने कहने का कि जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे सड़कों पे हमें कुछ नहीं मिला भी है। मैं ये आपके साथ शेयर करता हूँ, यहाँ 2% से 4% की फाइल उमर अब्दुल्ला ने अप्रूव करके रख दी थी, पहले चीफ मिनिस्टर को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, ड्यूटी बढ़ने के बाद हम सब लोग जो ओबीसी गरीब है हमने प्रेशर डाला, वो इम्प्लीमेंट हो गया। नंबर 1, नंबर 2, जम्मू कश्मीर बैंक में SC ST की रिजर्वेशन थी और ओबीसी की नहीं थी, जम्मू कश्मीर में नहीं थी, और जब हमने मुर्मू LG मुर्मू थे यहाँ गवर्नर, उनके ऊपर प्रेशर डाला और इम्प्लीमेंट हो गई। आज JMK बैंक में चाहे 4% ही रिफ्ट है। उसके बाद नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय तीनों में 27% रिजर्वेशन लागू हुई, ये भी एक अचीवमेंट है। तो सरकार पे प्रेशर डालने से सरकार को मजबूर करना पड़ता है अपनी डिमांड मनवाने के लिए, और डिमांडें जब भी सरकार मानती है वो किस्तों में मानती है, एकदम कुछ नहीं मिलता। हम क्या कर रहे हैं लद्दाखियों को आपके सामने 2 लाख की आबादी नहीं है लद्दाख में,
कानून ने यूनियन टेरिटरी भी ली, हिल डेवलपमेंट काउंसिल फर्गर की अलग ले ली, ले की ले ली और इस होटल को स्टेट का दर्जा भी ले रहे हैं, हाई कोर्ट अलग ले रहे हैं, सुप्रीम सब पब्लिक सर्विस कमीशन का दफ्तर भी ले रहे हैं और हम 2 लाख वादी उनकी और हम करोड़ों में लाखों में वो भी इसी तुम्हारी सिर्फ एक दूसरे को मशवरे देता है, फील्ड में काम निकलता है। अगर फील्ड में निकले होते तो आज आपके भी मसले इसी तरह हल हो जाते जिस तरह ले और कत्ल के हो गए हैं, जिस तरह शेड्यूल कास्ट ने 1970 में एजिटेशन चलाई और उनका बंदा एक लीडर शहीद हो गया और उन्होंने जुलूस फिर वहाँ सेक्टर से लेकर शमशानगढ़ तक जुलूस 2 किलोमीटर चला, तब जाकर उनको रिजर्वेशन मिली, गुजरों को रिजर्वेशन मिली, उन्होंने सब बकरियां बेड़े औरतें मर्द सब जम्मू शहर में इकट्ठे कर लिए और सरकार का काफिया बन गया। हम ओबीसी समाज के लोग हम कहते हैं कि 50% से भी ज्यादा इंडिया के आबादी से ओबीसी समाज है, खाली ओबीसी देखे लिए आप खुद देख रहे हैं आउटपुट क्या है, राइट लेकिन वो देखो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन भी वो भी अपर कास्ट के आगे और 50% जो कोटा उनको मिल रहा है वो भी अपर कास्ट के आ रहे हैं, जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल वो भी अपर कास्ट उन्होंने सारा खींच लिया और हम ये कह रहे हैं 2% से 4% इसी में खुश हैं और अभी कह रहे हैं हम 9% और 10-12% देंगे इसमें भी बड़ी खुशी है, क्यों नहीं आप इकट्ठे होकर आप 27% लागू करा सकते हैं। कर्पूरी ठाकर को जिन लोगों ने दबा कर रखा उसको दबा कर रखा डर से, उसको आवाज देना क्या उसकी फिलासफी पर किसी ने बात अटक की, आज उसको क्यों आज आप सडन उसको आवाज दे दिए क्या, क्यों दे दिया सिर्फ आप लोगों को ये बताने के लिए कि जो इस वक्त की जो पार्टी है सब कुछ दे रही है, सब कुछ दे रही है वो कर्पूरी ठाकर की पार्टी को लागू करो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करो, वो तो होता नहीं लेकिन हो रहा है, ये जो आपके अंदर ये भाषा है ना हमें मांगने से कहने से बताने से मिल जाएगा वो नहीं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी झंडा चढ़ाया है लेकिन जिस बात पर यह दिन मनाया जाता है उसकी कोई बात नहीं करता, बात है कि देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई ये लोगों को नहीं बताया जाता, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोगों के राइट्स हैं वो नहीं बताया जाता, तो ये हमें बताना है, बच्चे जो आए हैं नौजवान साथी आने चाहिए थे चलो कोई बात नहीं, लेकिन बात हमें यहां करनी पड़ेगी कि इसमें देश की तमाम नारियों को अधिकार नहीं थे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए, ये बात नारियों को बताने की जरूरत है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बचता मैं ये दावे से कह सकता हूं और जो फोर्सेस हैं एंटी कॉन्स्टिट्यूशन के उन्होंने बहुत बार ये स्टेटमेंट दी है और नारियों के बारे में कि नारियों को घर का काम करना चाहिए, मैं नाम नहीं लूंगा किसने कहा, उसने 2-3 बार ये कहा किसी लीडर ने कि नारियों को घर का काम पकड़ना चाहिए यानी उनको पढ़ना नहीं चाहिए, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट नारियों का है वो नारियों का ये नहीं कि शेड्यूल कास्ट की नारियों का था या शेड्यूल ट्राइब की नारियों का था या ओबीसी की नारियों को अधिकार मिला, पूरे देश में चाहे वो ब्राह्मण नारी थी चाहे क्षत्रिय नारी थी या वैश्य नारी थी किसी को अधिकार पढ़ने का नहीं था, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया और आज आप देखते हो कि हर डिपार्टमेंट में नारियां काम करती हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नारी रह के गई है, मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ अभी है नारी है, एक नारी पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी, तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बचेगा तो नारियों का सारा सिस्टम खत्म होगा और ये भी मैं कहूंगा कि सती प्रथा दोबारा शुरू हो सकती है, अगर ये नहीं बचा तो फिर अगर वो मनुस्मृति लागू हुई तो ये होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना किसका काम है, नारियों का सबसे बड़ा काम है, उनको समझने की जरूरत है नारियों को,
अगर नारियों को ये बात समझ में आ गई कि कॉन्स्टिट्यूशन है तो उनकी डिग्निटी जो है इस देश में बची रहेगी, वरना नहीं बचेगी और खराबी होगी। बाकी अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें।